गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हो बच्चों आप सभी। बेटा हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 1B तक कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। मैंने आपको उसके बेसिस पे एक्सरसाइज 1B के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे करने के लिए, एंड आई होप कि आप सबने वो क्वेश्चंस कर भी लिए होंगे और आपकी समझ में आ भी गया होगा वहाँ से, ठीक है। अब हम 1C को स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, एक्सरसाइज 1C को, जिसमें आपको वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप सभी जो हैं अपनी अपनी बुक में 1C एक्सरसाइज में क्वेश्चन टिक करिए, जो जो क्वेश्चन आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको करना है, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, फोर्थ नहीं करना, ठीक है। मैं वही बोल रहा हूँ जो आपको टिक करने हैं, वही करने हैं, ठीक है ना। आपको जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ उनको टिक कर लीजिए आप पहले। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, उसके बाद सेवन्थ, एट्थ, उसके बाद आपको करना है 9, 10, 12, उसके बाद 16, 18, 19, 23, 25, ठीक है। आपको यहाँ तक 25 तक करने हैं, ये जो मैंने आपको बता दिया टिक किए हुए हैं, इन्हीं क्वेश्चंस को आप करेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको एक एक करके समझा रहा हूँ, ध्यान से समझते चलिए आप लोग और साथ साथ देखते चलते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ द पर्सन हु विजिटेड टू द होली श्राइन ऑफ माता वैष्णो देवी ड्यूरिंग द लास्ट टू ईयर कंजिक्यूटिव ईयर्स वॉज, ये आपको एक नंबर दे रखा है, ये नंबर दे रखा है, यानी कि माता वैष्णो देवी पर जाने वाले जो विजिटर्स होते हैं, जो यात्री होते हैं, एक साल में कितने लोग गए, इतने लोग गए थे, और दूसरे साल में कितने लोग गए, इतने लोग गए, ठीक है। तो हाउ मेनी पर्सन विजिटेड द श्राइन ड्यूरिंग दीज टू ईयर्स, तो बेटा इन दोनों सालों में कितने लोग, टोटल कितने लोग गए वहां पे, तो क्या करना है आपको, इन दोनों का सम करना। तो कैसे करेंगे वो यहाँ पे देख लीजिए, सॉल्यूशन कैसे करना है वो आपको यहाँ देखेंगे आप। तो सॉल्यूशन करना है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन विजिटेड द श्राइन ड्यूरिंग टू ईयर्स, तो यहाँ पे पहला जो पहली ईयर में जो लोग गए हुए हैं वो इतने हैं, दूसरी ईयर में जो लोग गए हुए हैं वो इतने, तो टोटल कितने हो जाएंगे, आप इनको दोनों को ऐड करिएगा, आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको क्या करना है, सेकेंड नंबर, सेकेंड क्वेश्चन करना है, लास्ट ईयर 3 sugar factories इन अ टाउन, एक टाउन है उसमें 3 factories रखी है, शुगर फैक्ट्रीज, ठीक है, जो शुगर तैयार करती है, चीनी बनाती है, जिनको हम चीनी की मिल भी कह सकते हैं, शुगर मिल भी बोलते हैं, ठीक है। 3 factories हैं, एक फैक्ट्री इतने बैग बनाती है शुगर के, एक फैक्ट्री इतने बैग बनाती है, और एक फैक्ट्री इतने बैग बनाती है। तो आपसे पूछा हाउ मेनी बैग्स वर प्रोड्यूस्ड बाय ऑल 3 factories, तीनों फैक्ट्रीज ने कितने बैग्स बनाए, तो क्या करेंगे आप बेटा, इसको, इसको एंड इसको क्या करेंगे आप, ऐड करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सॉल्यूशन आपको इस तरह से करना है, 1 factory produced sugar bags इज इक्वल टू दिस, सेकेंड फैक्ट्री, ये आपको पूरा लिखना है यहाँ पे, ध्यान रखिए मैंने यहाँ पे डॉट्स बना दिए, पर ये आपको पूरा लिखना है कि सेकेंड फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड शुगर बैग्स इक्वल टू दिस, थर्ड फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड शुगर बैग्स इक्वल टू दिस, एंड टोटल शुगर बैग्स प्रोड्यूस्ड कितने हो गए, आप इन तीनों को ऐड करिएगा, आपका आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अ नंबर एक्सीड्स दिस बाय दिस, व्हाट इज द नंबर, ये पूछा कि आपसे कि ये नंबर, एक नंबर है जो क्या है, इतना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, इतना ज्यादा है, किस नंबर से, इस नंबर से, तो क्या करना है आपसे पूछे, व्हाट इज द नंबर, तो आप देखेंगे सीधा सीधा आप इसको सॉल्व करेंगे, ऐड करना है आपको बस इसको और इसको, दोनों नंबर्स को आप ऐड कर दीजिए, जो आंसर आएगा वही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा, क्लियर है यहां तक। अब हम बेटा अगले क्वेश्चन फिफ्थ वाले पे बढ़ते हैं, अ सर्वे कंडक्टेड एंड अ सर्वे कंडक्टेड ऑन एन इंडियन स्टेट शोज दैट इतने पीपल वर दिस, ये जो नंबर रखा है, दिस पीपल हैव ओनली प्राइमरी एजुकेशन, जिनके पास प्राइमरी एजुकेशन होती है, बेटा प्राइमरी एजुकेशन उनको कहते हैं जो जो बच्चे 5 class तक पढ़ते हैं, ठीक है ना, 5th class तक होते हैं। दिस पीपल हैव द सेकेंडरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन वो होती है जिसमें कहाँ तक होते हैं बच्चे, वो 8th class तक होते हैं, ठीक है ना, एंड हायर एजुकेशन आपको दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, एंड दिस पीपल आर इलिटरेट, फाइंड द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन, इफ द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन ब्लो द स्कूल एडमिशन इज दिस, फाइंड टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन पूछिए आपसे, तो ये आपके पास एक वैल्यू हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, आपके पास ये सारी वैल्यूज दे रखी हैं, इन सभी नंबर्स को आप क्या करेंगे बेटा यहाँ पे ऐड करेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट इक्वल टू दिस नंबर, दिस, दिस, दिस एंड दिस, आफ्टर यू विल ऑल एड दिस नंबर एंड देन गेट योर आंसर, क्लियर, आपको आंसर मिल जाएगा, आप इन सबको ऐड करिएगा, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या लिखा हुआ है, द सेल रिसिप्ट ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग अ ईयर वॉज दिस, ठीक है, एक साल में कंपनी ने मान लीजिए इतना
इतनी रुपीज का कोई भी प्रोडक्शन किया, ठीक है ना। नेक्स्ट ईयर द इंक्रीजेस, इट इंक्रीजेस बाय दिस अमाउंट। अगले साल क्या होता है कि ये जो अमाउंट था वो अमाउंट कितना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, तो सेकंड ईयर में कितना हो जाएगा बेटा, इसको और इसको ऐड कर दोगे तो वो क्या हो गया आपका, सेकंड ईयर का पैसा हो जाएगा ना जो अगले साल मिला। जैसे मैंने आपसे कहा, अब मेरी बात को समझिएगा, यहाँ पे मैं समझाता हूँ। मान लीजिए मैंने कहा कि आपसे एक साल में आप जो है 100 रुपीज का क्या कर रहे हैं बेटा, बिजनेस कर रहे हैं। आपने एक साल में 100 रुपीज का बिजनेस किया और अगले साल आपका जो बिजनेस है वो 20 रुपीज क्या हो गया, और एक्स्ट्रा हो गया। तो यानी कि 20 रुपीज एक्स्ट्रा हुआ, तो सेकंड ईयर में कितना आपने बिजनेस किया वो कितना क्या होगा, 120 क्या होगा, 120 किया ना आपने सेकंड ईयर में। पर अगर मैं आपसे कहूँ दोनों ईयर में कितना किया, फर्स्ट ईयर में आपने 100 किया था, दूसरी ईयर में कितना किया था, 120, तो दोनों ईयर में कितना हो गया बेटा, ऐड कर दो इन दोनों को तो कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा। तो सेम ऐसे ही करना है आपको यहाँ पे। टोटल सेल ड्यूरिंग द सेकंड ईयर, सेकंड ईयर में टोटल सेल कितना हुआ, तो फर्स्ट ईयर में इतना पैसा हुआ था, इंक्रीज इतना हो गया, तो टोटल दोनों को ऐड कर दो, सेकंड ईयर में इतने बेटा इतनी रुपीज की आपने क्या की, सेल की। तो टोटल सेल पूछे आपसे ड्यूरिंग टू ईयर्स, अब दोनों साल में कितना कमाया, तो इस सेकंड ईयर में इतना हो गया, फर्स्ट ईयर में इतना था, दोनों को आप ऐड करके आपका आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज दिस नंबर, ये आपको एक पॉपुलेशन देखिए किसी भी सिटी की। इफ द नंबर ऑफ मेल्स इज दिस, पुरुषों की, ठीक है ना, पुरुषों की संख्या दे रखी है, मेल्स की नंबर आपको दे रखे हैं, इतने नंबर है। फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल, एक और क्वेश्चन में आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ, उसके बाद हम अपने क्वेश्चन पे आएंगे। एक टाउन है जिसमें मान लीजिए आप 150 क्या है बेटा, यहाँ पे इस टाउन में 150 है टोटल पॉपुलेशन है इसकी, 150 टोटल पॉपुलेशन है, जिसमें से बेटा 100 कौन है, मेल 100 है बेटा हमारे पास मेल। जब मेल 100 है तो फीमेल कितनी होगी बेटा, 50 तो बचेंगे। क्या करोगे आप इस 150 में से मेल्स को क्या करोगे, आप माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा कितना, 50। तो वही आपने यहाँ पे करोगे, टोटल पॉपुलेशन आपको सिटी की दे रखी है ये वाला नंबर, नंबर ऑफ मेल्स आपके पास कितने दे रखे हैं, तो नंबर ऑफ फीमेल पूछे, तो आप क्या करेंगे टोटल पॉपुलेशन में से आप नंबर ऑफ मेल्स को क्या करेंगे बेटा, सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो आपकी वैल्यू आएगी वही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। क्लियर यहाँ पे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है बाय हाउ मच नंबर, बाय हाउ मच इज दिस नंबर लार्जर देन। एक बात ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे आप एक ट्रिक समझा देता हूँ कि अगर कभी भी लार्जर देन वर्ड आ जाए बेटा, ध्यान रखिएगा, अगर लार्जर देन वर्ड आ जाए तो ये जो आगे वाला नंबर होता है उस नंबर में से हमेशा पीछे वाले नंबर को क्या करोगे आप, सब्ट्रैक्ट करोगे। समझ में आ रही बात, अगर कभी भी लार्जर देन आ जाए तो आप आगे वाले नंबर में से पीछे वाले को सब्ट्रैक्ट करोगे, और अगर स्मॉलर देन आ जाए तो पीछे वाले नंबर में से आप आगे वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा हमेशा। तो पहले वाले में आप क्या करोगे, इस नंबर में से आप इस वाले नंबर को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। वो मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ, देखिए 9 वाले में ऊपर ये नंबर लिखा हुआ, नीचे ये वाला नंबर है, आप सब्ट्रैक्ट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एंड बाय हाउ मच इज दिस नंबर स्मॉलर देन द 1 करोड़, 1 करोड़ में से आप सब्ट्रैक्ट करोगे बेटा 56,43,879 को, ठीक। तो यहाँ पे आपने लिखा क्वेश्चन नंबर 10 को, 1 करोड़ में से आप ये माइनस करेंगे, जो आपका वैल्यू आएगी वही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर, ठीक है। तो आज हम बेटा इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 तक ही करते हैं, ठीक है। इन क्वेश्चंस को आप खुद से करिएगा, जो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। मैंने आपको फॉर्मेट बताई दिया करने का, आपको सिर्फ उनके आंसर्स लिखने और आपका वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा बेटा कि जो भी मैं यहाँ पे आपको ये जो करा रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे करने के लिए, खुद से करेंगे आप, और करने के बाद क्वेश्चन नंबर 10 तक अपने आंसर शीट से आप अपने आंसर चेक कर लेना, ठीक है। अगर किसी बच्चे का कोई आंसर गलत होता है तो बेटा आप एक बार उसको दोबारा से चेक करना, ट्राई करना उसे करने की कोशिश, ठीक है। अगर फिर भी किसी को समझ में नहीं आता है तो वो मुझे पर्सनली मेरे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकता है कि सर मुझे ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ या मेरा आंसर नहीं निकल के आ रहा। तो यहाँ तक आप अपना कुछ काम करिएगा और अपना ख्याल रखिएगा, इस क्वेश्चन नंबर 10 तक आप सब लोग, ठीक है ना, इस तरह से ना कंप्लीट कर लेना। मैंने आपको बता दिया जो जो क्वेश्चन आपको छोड़ने उनको करना नहीं है आपको फेयर में, ठीक है ना। और एक और चीज़ बेटा, आपको सीक्वेंस में ही चलना है, ठीक है। कैसे समझिए, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डाला तो आप डालेंगे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, आपको क्वेश्चन नंबर 5 करना है तो इस 5 को आप क्या डालेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 ही डालेंगे अपनी, जब तो आप नोटबुक में नोट करोगे, ठीक है। आपको अपनी नोटबुक में सीक्वेंस में ही चलना है, ये ध्यान रखिएगा। तो बेटा यहाँ तक आप अपना काम करिएगा, अगली वीडियो में हम मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ में, उनको कंप्लीट करेंगे। तब तक आप यहाँ पे क्वेश्चन को कंप्लीट करिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।